गहलोत मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 11 बजे की जगह अब दोपहर 1 बजे सीएमआर पर यह बैठक होगी। कल रात को फोन कर बुलाया गया मंत्रियों को, कई मंत्री दौरे बीच में छोड़कर पहुंचे हैं जयपुर। बैठक का कोई एजेंडा नहीं भेजा गया मंत्रियों को। अब कुछ मंत्री भी आपस में फोन करके पूछ रहे हैं एजेंडे के बारे में। कि क्या एजेंडा है जिसकी वजह से आज ये बैठक बुलाई गई है। तो वहीं आपको ये अपडेट भी दे दे कि बैठक का समय अब बदला गया है। पहले ये बैठक सुबह 11 बजे होने वाली थी, अब ये बैठक दोपहर 1 बजे होगी। सीएमआर में ये बैठक होगी। कल रात को फोन करके मंत्रियों को बुलाया गया है। कई मंत्री अपने दौरे बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे हैं। बैठक का कोई एजेंडा नहीं भेजा गया है मंत्रियों को, कोई एजेंडा फिलहाल मंत्रियों को नहीं बताया गया है कि किस एजेंडे पर आज चर्चा की जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि अनौपचारिक तौर पर बातचीत की जाए और वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये बातचीत की जाएगी। बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं, इन फैसलों का भी इंतजार रहेगा क्योंकि एजेंडा तय नहीं है। तो खुलकर बातचीत होगी और हर मुद्दे पर बातचीत होगी। देखना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास हो जाता है कि आज की इस बैठक के बाद कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, कौन कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अपने आप में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा मंत्रणा का दौर यहां पर रहेगा। हालांकि अब समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था, पर उसके बाद अब समय में बदलाव करते हुए दोपहर 1 बजे का समय तय कर दिया गया है, जब गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। सीएमआर में ये बैठक आयोजित होगी। कल रात को फोन करके सभी मंत्रियों को इस बैठक के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें बुलाया गया। कई मंत्री अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर थे, तो ऐसे में वो भी अपने दौरे बीच में छोड़ करके जयपुर पहुंच रहे हैं। बैठक का कोई एजेंडा फिलहाल नहीं बताया गया है मंत्रियों को भी। ऐसे में अब कुछ मंत्री भी आपस में फोन करके पूछ रहे हैं एजेंडे के बारे में। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, बैठक का कोई एजेंडा नहीं है, मतलब क्लियर है, हर मुद्दे पर बातचीत होगी और वर्तमान समय में जो मुद्दे सबसे ज्यादा ज्वलनशील है उन्हीं को लेकर चर्चा इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, दो अपडेट हैं आयुषी इस बैठक को लेकर। पहला तो ये बैठक जो 11 बजे होनी थी उसके समय में बदलाव किया गया है। अब 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अमूमन होता है कि पहले कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, लेकिन इस बैठक में तमाम मंत्रियों को एक साथ बुलाया गया है, यानी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों एक साथ शामिल रहेंगे। अलग अलग बैठक नहीं है बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद की एक साथ बैठक है। हालांकि कोई लिखित एजेंडा नहीं भेजा गया है और मंत्रियों को भी कोई एजेंडे की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मंत्री है वो जयपुर पहुंच चुके हैं, कई अपने दौरे छोड़ के आए हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, उन सूत्रों का यह कहना है कि जो अग्निपथ योजना है केंद्र सरकार ने जो घोषित की है उसको लेकर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। और माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद, गहलोत मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और उस प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज सकती है, जिसमें इस प्रस्ताव में ये मांग होगी कि इस अग्निपथ योजना को निरस्त किया जाए, इसको बंद किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इस पे क्लियर है, वो इस योजना के पक्ष में नहीं है। लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे देश में, कांग्रेस के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस योजना को जो है वो निरस्त किया जाए, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो आज की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद है प्रस्ताव पास करेगी इस योजना के खिलाफ और केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी जिसमें मांग की जाएगी कि इस योजना को निरस्त किया जाए, क्योंकि युवा जो है वो इस योजना से नाराज़ है। जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये योजना है इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे जो कह सकते हैं कि एजेंडे होंगे जिन पर चर्चा होगी, वो अनौपचारिक चर्चा होगी, कोई लिखित एजेंडा नहीं है, किसी विभाग का एजेंडा नहीं है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अनौपचारिक चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी पिछले शनिवार को मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे, लेकिन आज की जो बैठक है कुछ अलग तरह की है। लंबे वक्त बाद आज दिन में जो बैठक हो रही है, अमूमन शाम को बैठक होती है, और चूंकि मुख्यमंत्री को कल दिल्ली जाना है फिर से, और वहाँ पे जो राहुल गांधी का जो मामला है ईडी में पेशी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो उसकी रूपरेखा भी फिर से बनाई जाएगी।
तो ऐसे में उससे पहले चूंकि मुख्यमंत्री कल जयपुर आए थे, कल मीटिंगें ली थी और आज वो मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं, तो संभवतया अगर मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पास होता है तो देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जिसकी मंत्रिपरिषद ने अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज रहा हो। और साथ में किस तरह से इस योजना को लेकर तमाम मंत्रियों को अपनी बात रखनी है, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि कोई भी हिंसक रास्ता ना अपनाए, प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध अपना जता सकते हैं, लेकिन हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब तमाम जो मंत्री है वो भी इस योजना को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाए, किस तरह से बात रखें, मीडिया से अगर बात करें तो किस तरह जो है वो कांग्रेस का जो एक स्टैंड है उसके अनुसार बात करनी है, इन सब मुद्दों को लेकर भी आयुषी आज की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल नरेश, और ये चर्चा होना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती है और प्राचीन काल से लेकर अब तक कई जो वीर हैं उन्होंने शहादत दी है, बलिदान दिया है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो भी योजना लाई जाए वो उनके हितों में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।